हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन भी करेंगे और साथ साथ उसके बाद हम इसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह समझना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एक्चुअल में होता क्या है। ओके, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो किस तरह से डिटरमाइन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मार्कर पेन है, तो मार्कर पेन का प्राइस मान लीजिए 30 रुपए है। ओके, अब इस पर्टिकुलर मार्कर पेन का जो प्राइस है वो 30 रुपए डिसाइड कैसे हुआ? मैंने आपसे पूछा कि ये 30 रुपए प्राइस जो है वो हमने कैसे डिसाइड करा। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ये आंसर आता है कि भाई इसको अगर मैं मार्केट में 30 रुपए का बेच रहा हूं तो मैंने क्या करा होगा कि काम करते हैं इसकी जो कॉस्ट है वो जोड़ लेते हैं, जो कॉस्ट है वो जोड़ लेते हैं। फॉर सपोज इसको जो बनाने में हमने जो लेबर चार्जेस दिए एक पेन को बनाने में वो 5 रुपए दिए, इसमें जो मटेरियल है आपका जो प्लास्टिक है जो उसका फोम है वो अराउंड आपका 7-8 रुपए का लगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर इस पर खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा हुआ है, वो कुल मिलाकर अराउंड मान लीजिए आपकी कॉस्ट 25 आ जाती है। कितनी? 25 आ जाती है। आपने सोचा कि भाई एक काम करते हैं इस पर थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, ऑब्वियसली 5 रुपए हमने प्रॉफिट के जोड़े और मार्केट में इसको हम 30 रुपए में बेचने निकल पड़े, 30 रुपीज में बेचने निकल पड़े, ठीक है। इस पर हमने प्रिंट कर दिया ₹30। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर मार्कर पेन को मार्केट में बेचने गए हो और आपने बोला कि भाई ये 30 रुपए का बिकना चाहिए, जो बायर आपके पास आ रहे हैं आपने उसको 30 रुपए का बोला, लेकिन कोई भी इसको 30 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं है, कोई इसके 28 रुपए भी नहीं दे रहा, कोई इसके 27 रुपए भी नहीं दे रहा, द प्रॉब्लम इज के फिर आप बोलोगे कि हमें ये मार्जिन जो है वो कम करना चाहिए, इसको हम 4 पे लेकर आए, 3 पर लेकर आए या 2 पर लेकर आए, और उसकी वजह से हमारे हमने जो पहले डिटरमाइन किया था प्राइस वो नहीं चल पाया, वो नहीं चल पाया, उससे कहानी नहीं बनी कि यार ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट है, मैं इसको इतने में बेचूंगा, तो वो चीज हमारी यहां पर फेल हो गई। इसका उल्टा भी अगर मैं करूं कि भाई ये पेन आपने 30 रुपए का डिसाइड करा, इसकी क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया, इसका जो लाइफ है वो भी अच्छी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो कल को अगर इसको कोई 32 में, 33 में, 35 में खरीदने को तैयार हो जाए तो क्या आप इसको 35 का बेचोगे? ऑब्वियसली यस, डेफिनेटली बेचोगे। लेकिन वहां पर सेम थिंग, जो पॉलिसी आपने पहले डिसाइड करी थी कि यार इतनी कॉस्ट, इतना प्रॉफिट, इतने में बेचूं, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मेरा सेलिंग प्राइस या प्राइस, ये सिर्फ आपका मैथ्स में अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैथ्स में अच्छा लग रहा है। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो प्राइस ऐसे डिसाइड होता है, ये मैं नहीं कहूंगा। क्यों? सेम चीज कि आपने अगर प्राइस 30 डिसाइड करा था और ज्यादा में सेल आउट होने के चांसेस हैं तो आप क्यों नहीं बेचोगे, और कल को अगर इसके इतने में नहीं बिक रहा तो आपको प्राइस कम भी करना पड़ेगा। सो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथ्स में प्रॉफिट निकालने के लिए, प्राइस निकालने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में किसी कमोडिटी का प्राइस, इस पेन का प्राइस, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होगा मार्केट में, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, कई तरीके से डिफरेंट वेरिएशंस के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं इसमें क्रिएट होते हैं उनको भी साथ साथ हम करेंगे। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा? दोस्तों बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, एक्स एक्सिस 0, वाई, इधर हमने कंसिडर करा प्राइस, इधर हमारा क्वांटिटी सप्लाइड ओनली क्वांटिटी। ओके, अब प्राइस इक्विलिब्रियम वर्ड जो है वो पहले आ रहा है। इक्विलिब्रियम वर्ड क्या बता रहा है? कि कुछ ना कुछ इक्वल है, कोई दो चीजें बराबर हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? जब उस कमोडिटी का डिमांड कर्व और उस कमोडिटी का सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तब आपका ई यानी के इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। इसको आप मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे,
ओके तो ये कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन जो है यहां पर आपको मिल गया। इस पर्टिकुलर ई कॉम्बिनेशन पर जो प्राइस का लेवल यानी कि पी मुझे मिल रहा है दोस्तों, इसी को कहा जाता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी जो इस लेवल पर डिटरमाइन हो रही है यानी कि क्यू, मैं इसको क्यू से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपका जो प्राइस है किसी कमोडिटी का वो डिटरमाइन होता है। एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, मार्केट में ले जा रहे हो, बेच रहे हो, वो कितना बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, कम बिकेगा, ये उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है कि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो उसको खरीदने को तैयार है या नहीं है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बायर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और बायर की अगर डिमांड है, कोई कंज्यूमर मार्केट में आता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वहां पर वो गुड मौजूद भी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट उस मार्केट में मिलना भी चाहिए। तो इसीलिए जो दो मेन वेरिएबल हैं जो डिसाइड करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम बराबर दो मेन वेरिएबल, दैट इज व्हाट डिमांड, या आप कहिए मार्केट डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और सप्लाई, मार्केट सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो कंटेंट है, तो हम इंडिविजुअल स्टडी यहां पर कर रहे हैं। ओके तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसमें जो मेन आपकी डेफिनेशन, ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव वाले आने हैं, बट हमें पता होना चाहिए कंटेंट के बारे में। तो पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, पहली डेफिनेशन, मार्केट इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन when demand for and supply of a particular commodity are equals to each other। और ऑब्वियसली यहां पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं तो वो कौन है, दैट इज व्हाट, पॉइंट ई, हम ई की बात कर रहे हैं। ओके तो यहां पर जैसा कि मेन चीज हमारी डेफिनेशन में क्या ही, मेन चीज इसमें जो समझने वाली है वो क्या, कि सिंपल सी बात कि जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। डिमांड हम जानते हैं नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड्स है, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। सप्लाई में उल्टा हो जाता है, सप्लाई में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगी, क्यों, प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम जब बात कर रहे हैं प्राइस की, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में जब डिमांड सप्लाई बराबर हुए वो आपका इक्विलिब्रियम, एक मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ। अगर मैं प्राइस की डेफिनेशन की बात करूं तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस लेवल विच determines at market equilibrium level। ओके ये बिल्कुल बेसिक सा कंटेंट हमारा यहां पर आ जाता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई बराबर, मार्केट प्राइस, मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ, और उस पर जो प्राइस होगा दैट इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके लेकिन अब जरा इसका थोड़ा सा ऑब्वियसली जो ऑपरेशन है वो होना भी जरूरी है डायग्राम का, वो किस तरीके से होगा आइए जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हाँ ऑब्वियसली मैंने बोल तो दिया डिटरमिनेशन, और डिटरमिनेशन ऐसे होता है, लेकिन इसमें कई सारी और स्पेसिफिक जो थ्योरी है वो भी इसके अंदर आती है। जैसे अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो कंसेप्ट होगा आपका प्रिवेलिंग प्राइस का, दैट इज व्हाट, प्रिवेलिंग प्राइस। इसके अलावा इसमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, कि गवर्नमेंट का अगर इसमें इन्फ्लुएंस हो, वो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करे, प्राइस को बढ़ने से रोके, कम होने से रोके, तो किस तरीके से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो अफेक्ट होता है, वो भी हम समझेंगे। और यस ऑब्वियसली चेंज इन ई, ई मतलब वही इक्विलिब्रियम, कि क्या इक्विलिब्रियम में चेंज पॉसिबल है, तो यस एग्जैक्टली, अगर डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व हमारे शिफ्ट होते हैं, चेंज होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं या दोनों में से कोई एक होता है, तो इक्विलिब्रियम पर असर पड़ता है। इक्विलिब्रियम अगर चेंज होगा तो उसका असर प्राइस पर, क्वांटिटी पर, दोनों पर पड़ेगा। कैसे, वो सिलसिला अभी आगे होगा,
अभी फिलहाल हम यहां पर जो प्रिवेलिंग प्राइस का कंसेप्ट है वो जरा क्या नाम है समझते हैं। ओके, डायग्राम में मैंने आपको बता तो दिया कि ई इज माई इक्विलिब्रियम, कि जो ई है वो मेरा इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम को प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन लेकिन सवाल ये उठता है कि ये डिटरमाइन कैसे होता है, हमें कैसे पता कि इस पॉइंट पर इसी प्राइस लेवल पर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं डिमांड और सप्लाई, हमें कैसे पता। तो दोस्तों हमें नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, किसी को भी नहीं पता होता। मार्केट में सप्लायर भी अपना प्रोडक्ट लेकर पहुंचता है, डिमांड करने के लिए कंज्यूमर भी पहुंचता है, और वहां पर जो प्राइस वॉर है फिर वो शुरू होती है। अगर कमोडिटी का प्राइस सप्लायर ने बहुत, अब इसको समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा कर दिया कि भाई वो प्राइस ज्यादा रख रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि भाई मैं प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया कमाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर जो डिमांड करने वाले हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, कम खरीदेंगे। अब इस चक्कर में, इस प्रॉब्लम में जो आपका सेलर है उसका सामान नहीं बिकेगा, सामान पड़ा रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक उसके पास बढ़ता रहेगा, और उसकी फिर टेंशन भी बढ़ेगी कि यार ये सामान मैं यहां पर बेचने के लिए लाया था और वो नहीं बिक रहा है, तो उसे मजबूरन जो प्राइस है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो फिर दूसरी तरफ कंज्यूमर की जो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम करने की वजह से दोनों बराबर आएंगे और आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसको डायग्राम को मैं थोड़ा और बड़ा बना रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं एक्स जीरो वाई, ये प्राइस आ गया हमारा, ये एज यूजुअल क्वांटिटी, दिस इज डिमांड, स्ट्रेट लाइन बनाइए, कर्व बनाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सप्लाई, ठीक है, हाँ, स्लोप डाउनवर्ड्स डिमांड कर्व, स्लोप अपवर्ड आपका सप्लाई कर्व, और ये इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जो होना चाहिए, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ई, दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन से मतलब ये कि डिमांड जितनी है एग्जैक्टली उतनी सप्लाई है, तो कहने का मतलब ये कि सप्लाई उतनी है तो कोई भी जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हुआ है वो बचा नहीं है, वो सारा का सारा बिक गया है, तो वेस्टेज ऑफ फैक्टर्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वो नहीं हुई, पहली चीज। दूसरा, डिमांड भी उतनी है तो कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं रहा जो अपने कंजम्पशन से वंचित रह गया हो, उसको वो चीज कमोडिटी मार्केट में ना मिली हो, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि भाई प्राइस जो है उसने बहुत ज्यादा रख दिया सेलर ने, जो एग्जांपल अभी हमने लिया उसी को समझते हैं। अब प्राइस अगर भैया जी ने बहुत ज्यादा रख दिया है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस आपने थोड़ा ऊपर फिक्स कर दिया है यहां पे, इसको मैं P1 का नाम देता हूं। P1 से मतलब प्रिवेलिंग प्राइस, ये प्रिवेलिंग प्राइस हो गया। अगर आपने ये प्राइस बहुत ज्यादा रखा है तो ये डिमांड कर्व को यहां पर टकरा रहा है, सप्लाई कर्व को यहां पर टकरा रहा है, इसको मैं नाम देता हूं सपोज ई, तो हो गया, इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि एट पॉइंट P1, मतलब प्राइस लेवल P1 पे जो डिमांड है एट एफ पॉइंट, जो डिमांड कर वो आप एफ पॉइंट पे है, और साथ ही जो आपका जी है, सॉरी सप्लाई है, सप्लाई एट जी पॉइंट, और ये मुझे साफ साफ बता रहा है कि डिमांड कम है, सप्लाई जाता है, विच लीड्स टू एक्सेस सप्लाई एंड अनसोल्ड स्टॉक। ये किसको लीड करेगा, आपके अनसोल्ड स्टॉक को लीड करेगा। अब आप खुद एक सेलर के नजरिए से सोचो, मान लीजिए आप सेलर हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाया, आप बनाया कोई भी, आपने पेन बनाया, इस पेन को लेकर आप मार्केट में पहुंचे, आपने सोचा भाई प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे, प्राइस बढ़िया रखेंगे, प्राइस आपने ज्यादा कर दिया, लेकिन कंज्यूमर इसको खरीदने के लिए नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आप मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा खासा लेकर पहुंचे हो, सप्लाई खूब ज्यादा कर रखी है आपने,
अब क्योंकि वो बिक नहीं रहा है तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी अनसोल्ड स्टॉक की, किसकी, ये सामान भाई हमारा बिक नहीं रहा है। ओके, नतीजा फिर आप क्या करोगे दोस्तों, ऑब्वियसली कि भाई सामान नहीं बिक रहा, अनसोल्ड स्टॉक जा रहा है, इसको बेचना है तो मार्केट में प्राइस लेवल आपको कम करने पड़ेंगे। तो नतीजा इस वाले सिचुएशन का नतीजा आपके सामने ये निकल के आया कि मार्केट में प्राइस गिरने लगेगा, मार्केट में प्राइस गिरने लगेगा। प्राइस गिरने पर हम जानते हैं दो असर पड़ते हैं, वो ये कि प्राइस बढ़ने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ने लग जाती है, सॉरी प्राइस बढ़ेगा नहीं, प्राइस कम होगा, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ने लग जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम होने लग जाएगी। ये दो असर पड़ेंगे। हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ सप्लाई में चीज कवर करी है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो, प्राइस कम क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास सामान बहुत ज्यादा बचा हुआ है, वो नहीं बिक रहा है, तो एक काम करते हैं प्राइस को कम करते हैं। प्राइस कम करने पर हम दो रिजल्ट ऑलरेडी जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ डिमांड कहती है प्राइस कम होगा तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और प्राइस अगर कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से सप्लाई भी कम होने लग जाएगी। नतीजा आप यहां पर देखेंगे, डिमांड बढ़ने लग जाएगी, पहले एफ पर थी, एफ से शिफ्ट होकर वो इस तरफ बढ़ने लग जाएगी, क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, और जो सप्लाई है जो जी पॉइंट पे थी वो जी से इधर आएगी, और ऑब्वियसली ये आपकी कम हो रही है, क्वांटिटी यहां से इस तरफ कम हो रही है। दोनों आपस में आकर मीट करेंगे ऑब्वियसली कहां पर, आपका ई पॉइंट पर, कहां पर, ई पॉइंट पर, और जब ई पॉइंट पर आएंगे तब हमारा प्राइस जो है पी वो अपने आप अचीव हो जाएगा, वो टारगेट अपने आप ही सेट हो जाएगा। इस पॉइंट पर आकर कोई खलबली नहीं रहेगी कि भाई सामान नहीं बिक रहा, बच गया आपका यहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने डिमांड है उतना प्रोडक्ट मार्केट में है, काम बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलेगा। ओके, तो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। मैंने क्या किया, एट अ पॉइंट P1 एक प्राइस लेवल ज्यादा रखा, सेलर ने स्टार्टिंग में प्राइस आपका ज्यादा रखा। ओके, नतीजा क्या आया कि जो P1 है वो डिमांड को आपका एफ पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है, एफ पॉइंट यहां तक आएगा, नीचे चाहे तो आप बना सकते हैं पर जरूरत नहीं है, और सप्लाई आपका जी पॉइंट पर आया। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका जी है वो आगे है क्वांटिटी में, एफ पीछे है, तो मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ओके, सप्लाई ज्यादा मतलब एक्सेस सप्लाई, ज्यादा सप्लाई आपने करी हुई है। ओके, एंड सीधी सी बात है आपका जो अनसोल्ड स्टॉक है सामान आपके पास बच जाएगा। नतीजा सेलर को प्राइस कम करना पड़ेगा, प्राइस अगर कम करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है या आप कहिए एक्सपेंड होती है, तो वो हमने बढ़ाई, नीचे की तरफ आने लग जाएगा कर्व। ठीक उसी तरीके से जो आपका प्राइस कम है, प्राइस कम होने पर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो अब आगे भी चल के जो सप्लायर है, यार प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम होता जा रहा है, हम सप्लाई कम करेंगे, सप्लाई कम होने लग जाएगी। ओके, दोनों ई पॉइंट पर आपका मीट करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा अचीव हो जाएगा। ओके, तो ये इसके अंदर पॉइंट जो है आता है। हाँ, इसमें कंक्लूजन जो हमारे पास थी वो ये इसका, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं वो क्या कि इफ क्वेश्चन, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिस बनाते हैं क्योंकि एग्जाम में वही आने वाले हैं। इफ प्रिवेलिंग प्राइस, ओके शॉर्ट में लिख रहे हैं पीपी, प्रिवेलिंग प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ऊपर था, देन देयर इज a situation of तो जैसे मान लीजिए यहां पर बोला गया कि एक्सेस डिमांड, या बोला गया आपसे बी पॉइंट इफेक्टिव डिमांड, या आपसे बोला गया सी पॉइंट एक्सेस सप्लाई, डी नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सिंपल, आपने जो एक तरह से क्वेश्चन बनाया वो ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया, और हमें मालूम है कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपकी
आंसर में आएगी, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड अभी हम करेंगे, इसका दूसरा रूप है। और सेम इफेक्टिव डिमांड क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिव डिमांड होता है जब सिंपली इक्विलिब्रियम पर कौन डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका इफेक्टिव डिमांड। अब इसको उल्टा कर देते हैं, एक क्वेश्चन वैसे और बन सकता है, हाँ एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसमें। मान लीजिए ये ब्लू वाला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें मान लीजिए ये मैंने पॉइंट दिया पी, ये मैंने पॉइंट दिया आपका क्यू, और यहां पर मान लीजिए मैंने पॉइंट दिया एस, और यहां पर पॉइंट दिया टी, ओके। तो क्वेश्चन बना गया, बना दिया कि विच वन इज इन द स्टेट ऑफ एक्सेस सप्लाई, कि इनमें से कौन जो है वो एक्सेस सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, या कहेगा वो इसमें से कौन सा अनसोल्ड स्टॉक को प्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली आप इसमें से जो टी पॉइंट है दोस्तों, जो एरिया है आपका F और G के बीच में, ये वाला जो एरिया है, इसको हम एक्सेस सप्लाई कहते हैं। सो आर आंसर मस्ट बी टी। तो खैर मैं P पॉइंट अब हटा देता हूं, ये वाले ब्लू वाले, क्योंकि इनकी अब आवश्यकता नहीं है, दूसरा केस हम करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आगे मान लीजिए कहानी को उल्टी कर देते हैं, आपने बोला था कि भाई हम प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, प्राइस ज्यादा रखते हैं। अब आपने सोचा कि भाई काम करते हैं, प्राइस वॉर थोड़ी शुरू करते हैं मार्केट में, और प्राइस हम कम रखेंगे, ठीक है, कम रखेंगे, ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे, ठीक है, हम सही अपना जो मार्केट कैपेसिटी हमारी वो बढ़ेगी। आपने प्राइस कम कर दिया, कम लेवल पे डिटरमाइन कर दिया P2। अब ये टकराया यहां पर, पॉइंट को कुछ और नाम देते हैं, मान लीजिए इसको मैंने S नाम दिया, ये सप्लाई कर्व को काट रहा है, और इसको मैंने आर कर लेते हैं, इसको क्योंकि एस ऑलरेडी है, आर कर लेते हैं। तो एट प्राइस P2 पर, पहले समझेंगे प्राइस आपने कम रख दिया, प्राइस का लेवल क्या कम रख दिया। तो दोस्तों इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपकी दुकान के बाहर तो लाइन लग जाएगी, भाई प्राइस नॉर्मली कम है, सस्ते में मिल रही है, तो मार्केट जो है, मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, वो आपकी दुकान पर इकट्ठा हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, क्यों, प्राइस कम है। अब ये चीज देखकर जब डिमांड ज्यादा है और आपकी दुकान में उतना सामान नहीं पड़ा जितने बाहर कस्टमर है, क्योंकि प्राइस आपने कम रखा, भीड़ लग गई है, देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ ऑब्वियसली एक्सेस डिमांड, साथ ही आप बोलेंगे इट इज शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ये क्या है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है। अब सोचो आप शॉपकीपर हो, आपकी दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है खरीदने वालों का, और दुकान में पड़ा है सामान कम, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप ये कोशिश करोगे कि काम करते हैं यार, प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े, क्योंकि पता है सामान कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो प्राइस को बढ़ाना ही ठीक रहेगा। इसी पर हम उसको अगर हम एनालाइज करें, जो डिमांड है, डिमांड इज एट, ये कहां टकरा रहा है, टी पॉइंट पर, ओके, आर इज एट, नो सॉरी सप्लाई इज एट आर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दैट लीड्स टू एक्सेस डिमांड एंड शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक है उसकी शॉर्टेज हमारे सामने आएगी। नतीजा जो आपने अभी डिसाइड करा था कि इसके कारण जो प्राइस लेवल है बढ़ेगा, दुकान के बाहर बहुत सारे बायर हैं, सामान कम है, तो अच्छा है प्राइस बढ़ा दीजिए। एंड द सेम थिंग, प्राइस बढ़ने का दोनों पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, ठीक है, आपका प्राइस बढ़ गया, सेलर के हिसाब से बात कर रहा हूं, प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आपके अंदर ये तमन्ना होगी कि यार जो सप्लाई है अपनी, क्वांटिटी सप्लाइड है, उसको एक्सपेंड करें, उसको भी बढ़ाएं। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड के कारण कुछ जो कंज्यूमर हैं हमारे वो छोड़कर जाने लगेंगे, उनके लिए महंगा हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होने लग जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही वैल्यू में कमी आ रही है, कैसे, यस ये डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन इस तरफ होता है, क्लियर।
ठीक उसी प्रकार से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ने लग जाएगी, एक्सपेंड होने लग जाएगी, एक्सपेंशन इस तरफ होता है और दोनों अगेन आकर मिलेंगे कहां पर, पी पॉइंट पर, और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो ये कहानी होती है मार्केट में। सिचुएशन किसी को नहीं पता पहले से कि भाई क्या प्राइस होगा, ये प्राइस मुझे इस पेन का 30 रुपये रखना चाहिए, इसका मुझे क्या नाम है आपका पेन का प्राइस 10 रुपये रखना चाहिए, हमें नहीं पता होता। बस वहां पर डिमांड और सप्लाई, भाई जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं मई जून जुलाई के महीने में क्रैकर्स जो हैं, जो पटाखे हैं, वो बेचना शुरू करूं, ठीक है कि भाई ये मान लीजिए पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, और मैं मार्केट जो पहले प्राइस चलता था उससे भी क्या नाम है 30% ऑफ 40% ऑफ पर बेच रहा हूं, लेकिन क्या उस मंथ में कोई खरीदेगा? नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भले आपने प्राइस कम रखा लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्या करोगे? लेकिन दिवाली के टाइम पर यही चीज अगर आप महंगी भी बेचोगे तो भी लोग खरीदते हैं। तो कहने का मतलब जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो दो हैं, एक डिमांड कर्व और एक आपका सप्लाई कर्व, एक कमोडिटी की मार्केट डिमांड, एक आपकी मार्केट सप्लाई। दोनों आपस में कहां अपना कोरिलेशन सेट करते हैं, कहां उनकी मिली मिली होती है, कहां वो दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, दैट लेवल इज मार्केट इक्विलिब्रियम, जिस पर इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव होता है। और हां, इसमें एक चीज हमने और यहां पे एड ऑन करी, एक जो एक और चीज हमने समझी वो ये कि अगर ये आपका प्राइस हो गया पी इक्विलिब्रियम, तो इससे ऊपर की जो सिचुएशन है, ये वाला रीजन, ये वाला क्षेत्र, ये क्या होता है? यस, एग्जैक्टली एक्सेस सप्लाई, जो हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था। ओके, और ठीक इसी तरीके से ये वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे आपका एक्सेस डिमांड, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट था आपका इक्विलिब्रियम प्राइस का, जिसमें हमने प्रिवेलिंग प्राइस का जो कंटेंट है वो आज डिस्कस करा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके बनाते हैं एग्जैक्टली, टॉपिक कवर करने के बाद उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही जरूरी है। हमें कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए, हमें एप्लीकेशन भी मालूम होनी चाहिए, तभी हम आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको अचीव कर पाएंगे, उनको टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करे, या चलो पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है, चेंज वाला टॉपिक इजी है, डिमांड वाला थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो चेंज वाला हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और उसके काफी सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हम बनाएंगे और फिर करते हैं उसको। ठीक है, प्लीज इस टॉपिक में कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या मेल डाल सकते हैं, व्हाटएवर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।